उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज। 21 नवंबर को हरिद्वार जाएंगे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। 28 नवंबर को हरिद्वार जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आज बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे 1,51,000 भक्त, 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। ब्रिटेन की शुरुआत करते हैं, सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उत्तराखंड से, आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, बद्रीनाथ के दर्शन के लिए 1,91,000 भक्त पहुंच गए हैं गवाह बनने के लिए इस बात के कि आज बद्रीनाथ के कपाट बंद होने जा रहे हैं। 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है पूरे धाम को, चार धाम में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे हैं। आज बद्रीनाथ धाम कपाट के भी कपाट बंद हो जाएंगे, इससे पहले और धामों के कपाट बंद हो चुके हैं। और इस दौरान चार धाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे। कोरोना काल के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या अधिक संख्या में देखी गई, तो बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आज भी 1,51,000 भक्त पहुंचे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं, 20 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कपाट को जिस तरीके से सजाया गया है, क्योंकि आज कपाट बंद होने जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के। उससे पहले तमाम श्रद्धालुओं की तरफ से बद्रीनाथ का रुख किया जा रहा है, गवाह बनने जा रहे हैं तमाम भक्त, तमाम श्रद्धालु, क्योंकि आज कपाट बंद होने जा रहे हैं बद्रीनाथ के। तो बद्रीनाथ के दर्शन के लिए 1,51,000 भक्त पहुंचे हैं। आपको बता दें तो बद्रीनाथ के धाम के कपाट बंद होने से पहले पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश की ओर से मंदिर को सजाया गया है 20 क्विंटल गेंदे के फूलों से, साथ ही साथ गुलाब और कमल के फूलों से भी सजाया गया है। तो कपाट बंद होने की प्रक्रिया शाम से आज शुरू हो जाएगी और उसके बाद सुबह आरती की जाएगी, तमाम भक्त दर्शन करेंगे और उसके बाद कपाट बंद हो जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की, बेहद ही खूबसूरत तरीके से गेंदे के फूलों से, गुलाब और कमल के फूल से पूरे मंदिर को सजाया गया है। तो आज शाम 6:45 पर पूरे पूजा और अर्चना के साथ, विधि विधान के साथ कपाट बंद होने जा रहे हैं और उसके बाद शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजाएं पांडुकेश्वर और जोशीमठ में संपन्न होगी। कपाट बंद होने जा रहे हैं आज, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। इससे पहले और कपाट बंद हो चुके हैं और चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे कोरोना काल के बावजूद। हालांकि चारधाम यात्रा लेट से शुरुआत हुई लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ा। संवाददाता धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, सीधा रुख करेंगे धनराज का। धनराज, आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद होने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ कार्यक्रम आज होने हैं मंदिर में? सोनिका, बिल्कुल, जिस तरीके से आज बद्रीनाथ के कपाट बंद होने हैं, कहीं ना कहीं 6:45 पर ये कपाट बंद होंगे और उससे पहले पूजा अर्चना होगी। और जिस तरीके से देखा जाए कि जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, यानी कि बद्रीनाथ मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, जिसमें कमल के फूल, गेंदे के फूल और गुलाब के फूल आदि तरह के फूल उसमें सम्मिलित हैं। और जिस तरह से देखा जाए कि कुछ सोनिका की पूरी चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा में कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड टूटा है पिछले साल की जगह इस बार कहीं ना कहीं अधिक यात्री चार धाम पहुंचे हैं, 5,00,000 से अधिक यात्री चारों धामों में पहुंचे हैं। और वहीं यदि बद्रीनाथ की बात की जाए तो 1,91,000 से अधिक यात्री बद्रीनाथ पहुंचे हैं और अब कपाट बंद होने हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना का काल चल रहा था और लगातार जो चार धाम यात्रा थी वो कहीं ना कहीं बाधित हुई, शुरुआती दौर में जिस तरीके से एक सीमित संख्या में चार धाम यात्रा खोली गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई देखकर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि सभी चार धाम यात्रा खोल दी जाए। और जिसके बाद चार धाम यात्रा खुली और आपने देखा होगा कि किस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ यात्री चार धाम में पहुंचे हैं सोनिका। और वहीं यदि बात करें बद्रीनाथ की तो बद्रीनाथ में भी 1,91,000 से अधिक यात्री पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जब अब कपाट बंद हो रहे हैं क्योंकि तीन धामों के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं सोनिका।
धनराज, अगर उन लोगों की बात की जाए जिन्हें धार चार धाम खुलने के बाद रोजगार का अवसर मिला था, क्या रिएक्शन उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से चार धाम यात्रा पिछले 2 सालों से नहीं चली थी क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, तो कहने के जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी जीवन यात्रा संपन्न होना बड़ी मुश्किल हो रहा था, और बड़ी ही मुश्किल के बाद चार धाम यात्रा खोली गई, तो कहने के उनका जीवन पटरी पर आ पाया है। और जिस तरीके से यात्री लगातार पहुंच रहे थे चार धाम में, तो कहने के उनकी जो रोजी रोटी है उसका संकट भी दूर हुआ है। और यदि बात की जाए दुकानदारों की या फिर जो चार धाम यात्रा से जुड़े हुए हैं, तो उनका यही कहना है कि जिस तरीके से पिछले 2 सालों में वो कुछ नहीं कमा सके और रोजी रोटी का संकट उन पर गहरा रहा था, तो कहना कि इस बार चार धाम यात्रा खोलने से उनकी रोजी रोटी का जो संकट था वो दूर जरूर हुआ है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब शीतकाल के लिए चार धाम यात्रा बंद हो गई है, तो कहीं ना कहीं जो रोजी रोटी उन्होंने कमाई है 6 महीने के लिए वो उसी में गुजर बसर करेंगे, और उसके बाद जब दोबारे से कपाट खुलेंगे तो कहना चाहिए उनकी रोजी रोटी चल पाएगी। तो ठीक है धनराज, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुख करते हैं, एक और बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज हो गई है। हरिद्वार जाएंगे सीएम केजरीवाल, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज हो गई है। कल हरिद्वार जाएंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी करेंगे और साथ ही साथ जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। एक दिवसीय दौरे पर तीर्थनगरी में रोड शो भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, 2022 में होने हैं, कम समय बचा है। उत्तराखंड की राजनीति में पहली बार कदम रखा है आम आदमी पार्टी ने, पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही है 2022 को जीतने की, 2022 में फतेह करने की। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जीत का मंत्र दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल की तरफ से। वहीं एक दिवसीय दौरे पर रोड शो भी उनकी तरफ से किया जाएगा, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले भी कई बार उत्तराखंड पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल, कई तरह की घोषणाएं की गई, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य को, खासकर रोजगार के मुद्दे को लेकर के रोजगार पर पूरा फोकस आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। कई तरह की अभियान निकाले गए, रोजगार गारंटी यात्रा की गई, घर घर पहुंचा गया, खासकर युवाओं को साधने की पूरी कोशिश की गई है। और एक बार फिर सीएम अरविंद केजरीवाल हरिद्वार पहुंचेंगे कल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जोश भरने का काम करेंगे, साथ ही साथ 2022 को फतेह करने का मंत्र भी दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और खुद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले भी मुफ्त बिजली देने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। संवाददाता विशाखा चौधरी जुड़ गई हैं हमारे साथ, सीधा रुख करेंगे। विशाखा, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, इस बार क्या कुछ बड़ी घोषणा वो कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी वो पहुंचे हैं कुछ ना कुछ घोषणा उनकी तरफ से की गई है। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के जो दौरे हैं वो लगातार उत्तराखंड में बने हुए हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का जो दौरा है वो अभी उत्तराखंड में कल और परसों रहा है, और अभी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड में दौरा है, जाहिर तौर पर रोड शो उनके द्वारा किया जाएगा हरिद्वार में। और जो भी आम आदमी पार्टी चुनावी रणनीति बना रही है, जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनके उम्मीदवार कहीं ना कहीं, चाहे वो कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, उसको टक्कर दे सकते हैं, उन सीटों पर अधिक जोर देकर जो आम आदमी पार्टी का कहिए जो शीर्ष नेतृत्व है वो कार्य कर रहा है। और जहां तक बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास एक बड़े चेहरे के रूप में अरविंद केजरीवाल हैं, तो जाहिर तौर पर हर राज्य में अरविंद केजरीवाल के जो दौरे हैं वो फिलहाल दूसरे राज्य में चुनाव है वो वहां पर बने हुए हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल का जो दौरा है, जाहिर तौर पर इससे पहले भी जो बड़ी घोषणाएं हैं, बड़े वादे हैं, बड़े दावे हैं, वो अरविंद केजरीवाल करके गए हैं उत्तराखंड की जनता से। और इस कहीं ना कहीं इस दौरे को लेकर भी जो रोड शो किया जाएगा, इसके बाद जो जनसभा को उनके द्वारा संबोधित किया जाएगा, जाहिर तौर पर जो बड़े ऐलान है या दावे हैं, कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष की कमियां हैं, जो तमाम जो आरोप फिलहाल उनकी पार्टी लगा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पर वो लगाए जा सकते हैं। और देखिए बेरोजगारी, महंगाई, ये वो मुद्दे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी हमेशा से सत्ता पक्ष को घेरती रही है। बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर सभी जो चुनावी रणनीति है वो अपनी तय कर रही है आम आदमी पार्टी। तो कहीं ना कहीं फिलहाल भी जो ये दौरा है आम आदमी पार्टी के मुखिया कहिए कि अरविंद केजरीवाल का, उसमें बड़े दावे हो सकते हैं और कई जो बड़ी घोषणाएं हैं वो अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। जी
विशाखा, सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर पहुंच रहे हैं, क्या हलचल आप देखती हैं उत्तराखंड की राजनीति में? क्योंकि उनके तरफ से सीएम उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया गया है, 70 विधानसभाओं पे लड़ने का वो ऐलान कर चुके हैं। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए एक तीसरे राजनीतिक दल के तौर पर आप अपनी पार्टी लगातार उत्तराखंड में सक्रिय है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी जो भी रणनीति है उसके तहत कार्य कर रही है। जिस तरह से भी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हाँ, उन्होंने अपने उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो भी नहीं की है और उसके बावजूद आम आदमी पार्टी की तरफ से जो तमाम उम्मीदवार हैं अपने वो उतार दिए गए हैं। कई जो अहम सीटें मानी जाती है वहां पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो कर चुकी है। तो जाहिर तौर पर देखिए जो हार और जीत या जो भी जो निर्णय निकलने वाला है आने वाले चुनाव से उसका सटीक अंदाजा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को है और उसी के तहत जो है आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है। फिलहाल सक्रियता की बात यही है कि जिस तरह से फिलहाल अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की, इन दोनों के बाद एक तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में उभर रही है और जाहिर तौर पर जो फिलहाल नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो इसी में जुटे हैं कि विधानसभा चुनाव से कहीं ना कहीं अपनी स्थिति दर्ज कराई जाए और जो कुछ अहम सीटें जिन पर उन्हें लगता है कि जहां पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं वहां से कहीं ना कहीं टक्कर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को दी जाए। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आगे रुख करते हैं, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी भी लगी हुई है। 2022 की तैयारियों में बीजेपी पुरजोर कोशिश के साथ जुट गई है। शंखनाद कर दिया गया है चुनाव का। 24 और 25 नवंबर को प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो सकती है, बड़ी जानकारी मिल रही है। वही 26 नवंबर को जनसभा होगी उत्तराखंड में। बीजेपी कमर कस ली गई है, बीजेपी की तरफ से पार्टी के केंद्रीय और प्रांतीय दिग्गज संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं, 26 नवंबर को जनसभा होनी है और पार्टी के केंद्रीय प्रांतीय दिग्गज संबोधित करेंगे। वही 24 और 25 नवंबर का वो दिन जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, रणनीति बनाई जाएगी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, फतेह करने का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। और 2017 में जिस तरीके से पार्टी ने एंट्री की उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर, और कुछ सीटें जो रह गई थी उन सीटों पर खास फोकस किया जा रहा है, उसे लेकर के मंथन किया जाएगा इस बैठक में। बड़ी जानकारी आ रही है, 24 और 25 नवंबर को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। इस वक्त नवंबर का महीना बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। 26 नवंबर को जनसभा होगी, केंद्रीय और प्रांतीय दिग्गज संबोधित करेंगे पार्टी के। तो बड़ी जानकारी है, वोट बैंक को साधने का पूरा प्रयास रहेगा, रणनीति बनाई जाएगी, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके बातचीत की जाएगी, बूथ स्तर तक कैसे कार्य किया जाए, हर वर्ग को साधने के लिए किस तरीके से काम किया जाए इस पर मंथन भी किया जाएगा। तो पार्टी के केंद्रीय और प्रांतीय दिग्गज संबोधित करेंगे, बड़ी जानकारी मिल रही है। इससे पहले बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे उत्तराखंड का रुख कर चुके हैं, तमाम परियोजनाएं की शिलान्यास की गई है, लोकार्पण किया गया है, सीधे हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, हर वर्ग तक योजनाएं पहुंचाई गई हैं 2022 को देखते हुए। तो 2022 विधानसभा का चुनाव बेहद नजदीक आ गया है, बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौटने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। क्योंकि इतिहास उत्तराखंड का देखा जाए तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी रही है और इसी इतिहास को बदलने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश करने में जुटी है। उत्तराखंड पर खास फोकस किया जा रहा है, तमाम बड़े चेहरे उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और एक बार फिर 26 नवंबर को जनसभा होगी, पार्टी के केंद्रीय दिग्गज नेता संबोधित करेंगे। वहीं 24-25 नवंबर की वो तारीख जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी कमर कस ली गई है और एक बार फिर सत्ता में लौटने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्या एजेंडा इस बैठक का? बिल्कुल सोनिका, देखिए चुनाव के पहले होने जा रही बीजेपी की ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण बैठक है प्रदेश कार्य समिति की और इसमें जो विधानसभा चुनाव जीतने के लिए यानी सत्ता में वापसी करने के लिए जो रणनीति है उसको बीजेपी अंजाम देती हुई दिखाई देगी और इसकी महत्ता इसी बात से आप समझ सकती है कि चूंकि चुनाव के ठीक पहले ये प्रदेश कार्यकारिणी हो रही है जिसमें पूरी तरह से चुनावी रणनीतियों पर ही चर्चा होगी और किस तरह से इस महाभारत को फतह किया जाए बीजेपी इसी मुद्दे पर फोकस करेगी और यही जो चुनाव समिति है ये तय करेगी कि बीजेपी और खासकर उत्तराखंड का जो चुनावी रण होगा वो किस तरह का होगा, उसके
विपक्ष की भी नजरें इस पर लगी हुई है कि क्या मुद्दे बीजेपी के होंगे, और इसी तरह से बीजेपी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उनका भी ध्यान लगा हुआ है कि इसी प्रदेश कार्य समिति में जो निकल करके आएगा रणनीति, उसी पर उन्हें काम करना होगा। सोनिका, देखा जाए धीरेन्द्र, तो 2017 की अगर बात करें, कुछ सीटें थी जहां बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, क्या उन पे भी फोकस रहेगा, उन्हें लेकर के भी बातचीत की जाएगी? बिल्कुल सोनिका, इस पर जो है बीजेपी के संगठन ने त्रिस्तरीय योजना बनाई है, जिसके तहत ऐसी सीटें जिसपे बीजेपी कभी नहीं जीती है राज्य निर्माण के बाद से, और ऐसी सीटें जिसपे बीजेपी बहुत कम मार्जिन से जीती है, और ऐसी सीटें जिसपे बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से जीती है। तीनों के लिए अलग अलग रणनीतियां बना रही है, बना ही चुकी है लगभग, जो उनके बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं यही बता रहे हैं कि इस पर रणनीति बन गई है, और अलग अलग विधानसभाओं के प्रभारी होंगे, जैसे उनके यहाँ बूथ प्रमुख या पन्ना प्रमुख इस तरह के होते हैं, तो इन सब रणनीतियों को जब कहा जा रहे हो इन सब रणनीतियों को अंजाम देगी, तो धीरे-धीरे तमाम कोशिश कर रही है बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौटने की। लेकिन अगर बात की जाए, जब ग्राउंड जीरो पे उतरते हैं, तो उत्तराखंड का क्या मूड देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए सोनिका, उत्तराखंड के मूड की बात करें तो निश्चित रूप से 5 साल बीजेपी को इस सत्ता में आए हुए हो गया, और थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी जरूर दिख रही है, लेकिन जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने चीजों को मैनेज किया है, जिस तरह से लगातार अनवरत दिन रात उन्होंने काम किया है, उसका लाभ पार्टी को जरूर मिलेगा, और एक बेहद सकारात्मक प्रभाव जो है बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ उनको मिलेगा, और जो जनता का मूड है वो काफी बीजेपी को लेकर के काफी अब सकारात्मक हो गया है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा त्रिवेंद्र रावत के समय में 4.5 साल का जो कार्यकाल था, उससे जनता भी काफी जो है आक्रोश में आ गई थी, नाराज हो गई थी उनकी नीतियों से, उनके काम करने की शैली से, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की जो शैली है, जिस तरह से प्लानिंग के साथ काम कर रहे, दिन रात दौरे कर रहे, अब तक प्रदेश के सभी 13 जिलों के लगभग 2-2 दौरे कर चुके हैं, उस तरह से देखें तो बीजेपी अब प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है। पुनिका, ठीक है धीरेन्द्र, आप नजर बनाए रखिएगा उत्तराखंड की राजनीति पर, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुख करते हैं कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जैसे इन्होंने ऐलान किया वापस लेने का, उसके बाद धामी सरकार पर, अब उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन कानून वापस लेने का दबाव बढ़ गया है। चारधाम के तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोग इस कानून के विरोध में आंदोलनरत हैं। कानून पर बड़ा फैसला लेने के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद से तीर्थ पुरोहित शांत है। अब कृषि कानूनों पर पीएम के ऐलान ने तीर्थ पुरोहितों की उम्मीदों को पंख लगा दिया है। दरअसल प्रदेश की बीजेपी सरकार चुनावी साल में 2 अहम कानूनों पर घिरी है, इनमें पहला देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और दूसरा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था सुधार संशोधन अधिनियम है। इन दोनों अधिनियमों के विरोध में खासतौर पर राज्य के पर्वतीय जिलों के लोगों में नाराजगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 अहम कमेटियों का गठन भी किया है इसके लिए, और इसे सीएम की डैमेज कंट्रोल की कवायद के तौर पर देखा गया। संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संचित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ऐलान किया तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का, अब उत्तराखंड में हम देख रहे हैं देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को लेकर पुरोहितों की तरफ से मुखर हो गए हैं, दबाव बनाया जा रहा है धामी सरकार पर, क्या अपडेट आपके पास? देखिए सोनिका, अगर धामी सरकार की बात करें और दबाव की बात करें, तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हो, चाहे वो तीरथ सिंह रावत हो, दोनों के ऊपर अलग अलग तरीके से जो देवस्थानम बोर्ड के जो पंडा पुरोहित है वो लगातार इसका विरोध करता है, दबाव बनाने की कोशिश उन्होंने लगातार कर रहे हैं। और अब देखिए उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है और पुष्कर सिंह धामी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी अब ये दबाव आने लग गया है। लेकिन अगर बात करें, देखिए पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए एक कमेटी बनाई और कमेटी इस चीज की लगातार जांच कर रही है कि उसमें क्या कुछ किया जाए, जो क्या खामियां रह गई है। उसकी जो पहली कमेटी की रिपोर्ट है वो भी मुख्यमंत्री को सौंप दी गई, और मुख्यमंत्री लगातार जो पंडे पुरोहित है जो इसका विरोध कर रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में है, वो बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि वो इसको इसका समाधान निकालेंगे और जो इसमें खामियां रह गई है उसको सुधारने का काम करेंगे। सोनिया, संचित ये जानकारी भी दीजिएगा, जिस तरीके से अब देवस्थानम बोर्ड की तरफ से मांग की जा रही है इस कानून को लेकर के, क्योंकि लगातार प्रदर्शन भी उनकी तरफ से किया गया, कितना असर विधानसभा चुनावों पे पड़ेगा इसका? देखिए देवस्थानम बोर्ड को लेकर के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें,
तो लगातार उसका विरोध तो पंडा पुरोहित कर ही रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को खत्म किया जाए, उसको भंग किया जाए। और अगर चुनाव की दृष्टि से उसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं असर बिल्कुल पड़ेगा सोनिका, लेकिन एक डैमेज कंट्रोल करने का काम लगातार पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं देवस्थानम बोर्ड को लेकर के। और देखिए अगर फिलहाल की बात करें तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड में देखने के लिए मिल रहा था देवपंडा पुरोहितों की तरफ से, उन्होंने अभी मुख्यमंत्री को समय दिया। मुख्यमंत्री ने उनसे मांग की है कि वो अभी इसके ऊपर जो कमेटी काम कर रही है उसको निष्पक्ष वो काम करेंगे और जो खामियां इसमें रह गई उसको सुधारने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पंडा पुरोहित है उन्होंने मुख्यमंत्री को समय भी दिया है और उन्होंने मुख्यमंत्री का समर्थन भी किया, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हमें धामी सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो जो हमारी मांगों को लेकर के जो समस्याओं को लेकर के जो चर्चा चल रही थी उसके ऊपर निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्य करेंगे। चलिए संचित, आप नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं, करीब 1.5 साल की कोरोना काल के पहली बार हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए कोई बंदिश नहीं थी। बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए बंदिश नहीं होने का असर भी दिखाई दिया। ऐसा सैलाब उमड़ा कि महाकुंभ के बैसाखी पर स्नान करने वालों से ज्यादा श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर डुबकी लगा गए। प्रशासन का दावा है कि शुक्रवार को 14 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। यही कारण है कि धर्मनगरी में 7 माह बाद फिर कुंभ जैसा नजारा देखने को मिला। कोरोना काल में जनवरी 2021 से शुरू हुए स्नान पर्वों के साथ ही मार्च और अप्रैल में हुए कुंभ के शाही स्नानों में कोरोना नियमों के साथ सबसे कम रामनवमी के स्नान पर्व के अवसर पर 21 अप्रैल को 82,000 और सबसे ज्यादा 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या को 35 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। इसके बाद जून माह में गंगा दशहरा पर कोविड नियमों की सख्ती के चलते 2 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। वहीं श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ एकादशी पर 1,30,000 और पितृ विसर्जन अमावस्या पर भी 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। इस दौरान बॉर्डर पर लगातार सख्ती भी बरती गई। कोरोना काल के बाद कार्तिक पूर्णिमा का स्नान ऐसा पहली बार हुआ कि बिना रोक टोक के यात्रियों को जिले की सीमा में प्रवेश दिया गया। तो करीब 1.5 साल बाद कोरोना काल में पहली बार हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए कोई बंदिश नहीं थी। इससे पहले कोरोना काल चल रहा था उसमें बंदिश थी। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि देश के किसानों की ताकत ने दिखा दिया कि सरकारें झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। कहा है कि आगामी चुनावों में हार को देखते हुए केंद्र सरकार ने तीनों काले कृषि कानूनों को उन बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। यह देश के किसानों की बड़ी जीत है। एक वर्ष से अधिक समय से चल रहे किसानों के संघर्ष ने खेती किसानी को बचाया है। कोठियाल ने कहा कि भारत के इतिहास में 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा, लोकतंत्र की जीत हुई है। किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया कि जनतंत्र में सिर्फ जनता ही मालिक होती है। देश के किसानों का आंदोलन पूरी दुनिया के लिए एक सफल अहिंसक आंदोलन का सबूत है। पूरी दुनिया में इतना बड़ा और आंदोलन हुआ है, इस पर कर्नल कोठियाल की तरफ से ये बयान दिया गया है। जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने वापस लेने का ऐलान किया, उसके बाद अजय कर्नल कोठियाल उम्मीदवार है, सीएम उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में, उनकी तरफ से कहा गया है कि आंदोलन इतिहास में याद किया जाएगा क्योंकि लोकतंत्र और जनतंत्र में जनता की जीत है। बड़ी खबर आ रही है, पंजाब सरकार का तीसरा जत्था आज करतारपुर साहिब जाएगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी करतारपुर साहिब जाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, पंजाब के कई कैबिनेट मंत्री भी करतारपुर साहिब के दर्शन करेंगे। तो आज तीसरा जत्था करतारपुर साहिब जाएगा पंजाब सरकार से, और इस जत्थे में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल रहेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा ऐलान किया है। तो पंजाब के सीएम की तरफ से ऐलान किया गया है सुखविंदर सिंह और लेखक सुरजीत के लिए। सुखविंदर सिंह को पंजाब का राज गायक घोषित किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। वहीं लेखक सुरजीत पात्र को श्रोमणि साहित्यकार किताब देने का ऐलान किया गया है सीएम चन्नी की तरफ से। तो ये बड़े ऐलान किए गए हैं सीएम चन्नी की तरफ से, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। कहा गया है कि सुखविंदर सिंह और लेखक सुरजीत को कैबिनेट रैंक देने का ऐलान। मैं हुण इक अहुदा अनाउंस करना है सुखविंदर जी वास्ते, सुरजीत पात्र जी वास्ते,
इन्हां दी शख्सियत पंजाबी नूं इन्हां दी देण उहदे लई इह अहुदा बहुत छोटा है, पर असीं इन्हां नूं पंजाब दे राज गायक घोषित कर रहे हैं ते पंजाब दे विच कैबिनेट मिनिस्टर दा अहुदा भी दे रहे हैं। मान ही होंदा, इसे तरह सुरजीत पात्र जी नूं भी असीं कैबिनेट मिनिस्टर दा रैंक दे के नवाज रहे हैं ते उन्हां नूं ऐसी श्रोमणी पंजाब साहित्यकार भी अनाउंस कर रहे हैं। बहुत बहुत सारे का धन्यवाद। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। तुसी चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।